आदाब, नमस्कार। आप सभी का Q&S की पेशकश तलाश जवाब की में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्की। दोस्तों, त्राल से एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सामने आई है, तो हमने सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए वो आप सभी से शेयर किया जाए। 23 साल के मनजीत सिंह एक यंगेस्ट एग्री एंटरप्रेन्योर है। इस उम्र में जहां बच्चे डिग्रीज लेने के लिए पढ़ रहे होते हैं ताकि आगे जाकर वो अपना करियर सेटल कर सके, वही मंजीत एक फुल्ली फ्लेजेड ऑर्चिड से कमा रहे हैं। एज एग्री एंटरप्रेन्योर अपना करियर सेट कर चुके हैं। उसके ऑर्चिड की बात करें तो वहां सेब की 50 से ज़्यादा वेराइटीज मिलेंगी। सेब के अलावा आड़ू, नाशपाती और अंगूर की फार्मिंग भी करते हैं मंजीत। फ्रूट्स के साथ साथ कई तरह की सब्जियों की खेती भी देखने को मिलेगी। मंजीत सिर्फ इतने तक ही नहीं रुके, उन्होंने अपने ऑर्चर्ड को एक नया और अनोखा रूप दिया। फल और सब्जियों की खेती तो वो कर ही रहे हैं, पर साथ ही उन्होंने अपने ऑर्चर्ड में 80 भेड़ बकरियां, 200 पोल्ट्री यानी मुर्गियां, पिजन्स, पालतू कुत्ते, गाय और खरगोश जैसे जानवर और पक्षी पालने के लिए रखे हुए हैं। मंजीत के ऑर्चर्ड को मिनी जू कहें तो गलत नहीं होगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये 23 साल का लड़का है तो इसे खेती की ज़्यादा जांच नहीं होगी, पर हम आप सभी को बता दें कि ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं और इसको बखूबी करना जानते हैं। इसके बारे में मंजीत से अच्छा खुद और कोई नहीं बता सकता, तो इसीलिए हमारी टीम जा पहुंची मंजीत से मिलने। आइए आपको भी दिखाते हैं। आज क्यूएनएस की टीम यहाँ पे आई है खास वजह और खास मकसद से। जो मेरे साथ आप प्रोग्राम में आज मेहमान देख रहे, गेस्ट देख रहे, इनका नाम है मंजीत सिंह। मंजीत सिंह ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसको कहते हैं, इनका एक नाम भी पड़ा है, वन मैन आर्मी। कैसे करते हैं मंजीत ये काम, चलिए सीधे बात मंजीत सिंह से करते हैं। मंजीत जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया क्यों आने से बात करने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी कि आप हमारे घर आए। थैंक यू, आपकी मेहरबानी सर। मंजीत जी, मुझे ये बताइए कि आप जो, आपके पास भेड़ भी है, बकरियां भी है, सब्जियां भी आप उगाते हैं, ऑर्चर्ड्स भी आपके पास है, पेट्स भी आपके पास है, मुर्गे भी आपके पास है, ये सारे काम अकेले करते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपने क्या किया और इनकी तरफ ये शौक आपको कब पैदा हो गया? सर, शौक तो पहले बचपन से मैं पढ़ता था, जब से 12th तक मैंने पढ़ा सर, उस गवर्नमेंट हाई स्कूल दूर दीवन में मैंने 10th किया। उसके बाद गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी बजवाई में मैंने 12th किया। मैंने गांव के लड़के देखे सर, बीएड हैं, एमए हैं, ग्रेजुएशन है, बेचारे सारे बेरोजगार हैं सर, पीछे दौड़ते हैं गवर्नमेंट। मैंने वहीं से इंस्पिरेशन ली, मतलब क्या मैं आप कहाँ गवर्नमेंट की जॉब के पीछे दौड़ूंगा। इसलिए मेरे पापा जो थे वो बचपन से मुझे बोलते थे कुछ कर कुछ कर, तो उसने मुर्गे चूजे छोड़े से 4-5 लाए, वो वहीं से मुझे थोड़ा सा शौक पड़ गया। उसके बाद मैंने बाग में एक जगह मजदूरी जाता था मैं, एप्पल में पैकिंग के लिए, क्यों मैं छोटे से मजदूरी पे जाता था, तो वहीं पर मैंने शौक के वहीं से बड़े बड़े व्यापारी मुझे मिले, वहीं से मैंने देखा एप्पल में कितना बिजनेस है, इसमें कितना नफा, उसी से मैंने स्टार्ट किया सर अपना ऑर्चर्ड में। पहले हमें इतना नहीं निकल रहा था ऑर्चर्ड में, फिर मैंने खुद ही मेहनत की, कटिंग भी मैंने खुद की, ग्राइंडिंग भी, पैकिंग भी, उसके बाद इनमें इम्प्रूवमेंट आई, खाद भी फिर मैंने डिकम्पोज खुद ही बनाई इसमें घर में सर, और गवर्नमेंट का सपोर्ट कभी नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ एक सर अगर वो मदद करें तो, एक तो वो बंड सेंक्शन कर दें बस, और एक वेल, बस इतना अगर हो सकता है इतना कर दें बस सर, अभी इतना एडवांस है बस। मंजीत, ये बात बताइए कि ये सब आपके दिमाग में कहाँ से आया? मैं गांव में जाता था, लोग चीज़ भी करते थे, मगर सब मुसलमानों ने मुझे बड़ा मदद की, उन्होंने बोला ये मतलब हज़रत मोहम्मद ने खुद पेड़ रखी है, दुआ का माल इसमें, जब वहीं से मुझे मुझे हेल्थ मिली, मतलब स्ट्रेंथ मिली, तो तब से फिर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने बोला जिसने जब बोलना है, मैंने किसी का नहीं सुनना, मैंने जो मेरा दिल करेगा वही मैंने करना है सर। मेरे पास समझो 6 किस्म का यूनिट है सर, पोल्ट्री भी है सर, गार्डनिंग भी करता हूँ सर, अपनी गार्डनिंग है, एग्रीकल्चर के साथ भी अपनी घर में सब्जी उगाता हूँ, फिर त्राल में बेचता हूँ सर, एप्पल के साथ भी करता हूँ, शीप के साथ भी करता हूँ, डॉग के साथ भी करता हूँ, रैबिट के साथ भी, और मजदूरी पे भी जाता हूँ, पैकिंग करने को शुपियन भी जाता हूँ। मैंने सर मजदूरी की थी पहले से ही, सेब भरने को जाता था, सेब उतारने को जाता था, या किसी के घर में काम वाम को जाता था, वहीं से पैसे जमा किए, वहीं से मैंने यूनिट स्टार्ट किए सर, अपनी मेहनत से सर। सब्जियां उगाते हैं? हाँ सर, मैं उगाता हूँ, तो वो त्राल में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, यहीं पे सप्लाई कर देता हूँ, तो गांव वाले भी ले जाते हैं सर। रिलेटिव्स जो आपके हैं क्या ताना मारते हैं आज? आज भी सर यही, अभी क्या पता है ये वीडियो देख के क्या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उनमें, उनको भी पता चल गया ये कुछ बुरा कार नहीं है, ये जो भेड़ रखने बहुत दुआ का काम है, अच्छा काम है, नेक काम है, कोई बुरा काम नहीं है, कोई गलत काम करूंगा वो गलत काम है, कोई अच्छा काम करेगा वो कभी गलत। गवर्नमेंट का सपोर्ट कुछ नहीं मिला सर,
शिव में मैंने बहुत यूनिट भरे, मगर वहाँ पर चीरी बोलते हैं दो ही निकलेंगी। 15 साल हो गए मुझे यूनिट में यूनिट भरते, मगर कभी नहीं मिला। यहाँ पर मुझे फ्लड आता है बाग में, वो पानी वहाँ से आता है, सारा बाग खराब। एग्रीगेशन वालों को भी हमने डाला, ब्लॉक वालों को भी डाला, मगर कोई फायदा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पर ट्यूबवेल भी नहीं है, मुझे पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है सर। मैंने उनको भी जालजी वालों को बोला बाग के लिए मुझे एक वेल दे दो, उन्होंने भी नहीं दिया सर। जो मेरा दादा था ना, वो एक समझो झोंपड़ी में रहता था, उसने बेचारे ने यहाँ पर जमीन ली। उसको जो बहुत हार्ड वर्क था, मेरा दादा जो था ना, वो बहुत उसी से इंप्रेशन मिली मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत उसने ज़मीन के एक मल के बाद 20 कनाल बनाई उसने अपने हाथों से मेहनत करके, उसी ने आर्चर बनाया। उसको बाद मैंने देखभाल की, मेरे पापा ने देखभाल की, फिर मैंने देखभाल, मगर मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन मेरे दादा से मिली है सबसे ज़्यादा। घर में भी थोड़ा पापा थोड़ा भी अभी अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई उसको, मैं थोड़ी मनी की, पहले तो इतना भी नहीं था, तो इस घर भी थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने सोचा कि जो बाहर जाऊँगा पैसा, क्यों वहाँ आके भी हमारे गांव में बहुत ने डिग्री की है सर, एमटेक किया है, बीटेक किया, 20-20 लाख लगा के आके घर में ही बैठे हैं, तो क्या फ़ायदा? उससे अच्छा तो यही है कि पापा को थोड़ी हेल्प करो, या खुद के लिए अपने मतलब अपने आप पे स्ट्रेंथ आनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो बस। और घर वालों के तरफ तो 100% सपोर्ट था, नहीं तो ये नहीं हो पाता सर। यार दोस्तों यही कहते हैं सब, बेड मार रखो। जब जब भी कोई मिलता है वो बोलता है क्या गोरी की तरह पीछे पीछे इनके चल रहा है, तीर वो लाओ, ये मुझे फाके हुए, ये तीर वो लाओ, ये और दुख होता है, बहुत दुख होता है सर। ये अगर ये मुझे और सपोर्ट करेंगे तो मैं और करूँगा। आप शादी पे अपने बेड़ों को नहीं बेचते, मगर ईद की कुर्बानी पे आपने बेड़ों को बेचा है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं हमेशा जब माल बेचता हूँ सर, मैं माल को मतलब अभी छोटे बच्चे हैं वो पाल पाल के लगभग 40 किलो या 20 किलो बीट निकलता है, मगर मैं कभी शादी पे नहीं देता हूँ, कभी किसी को मैं सब हमेशा ईद पे देता हूँ, कि ईद पे जो माल चाहता है वो दुआ के काबिल होता है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद की कुर्बानी याद आती है उस दिन, इसलिए मैं बेच। और गवर्नमेंट ने जो रेट रखी थी 580, मैंने 570 रुपये के जी में बेचा है। यहाँ पर याद है मुझे एक दिन मेरे सबसे पहले एक बेड लाया था, पापा ने दिए थे पैसे, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मजदूरी कर पे मजदूरी की थी मैंने, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलता। यहीं पर एक सरदार है, उसको घर में मजदूरी करता ना, 5,000 लिया था मैंने, उसी से मैंने बेड लाया था, उसको पाल पाल के 5 साल का किया था मैंने। अचानक उसको कुछ हुआ, गाँव वाले आए, फिर उन्होंने पापा के साथ मदद करके मार दिया। मैं 6 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था उस दिन, 6 दिन तक। गवर्नमेंट अगर मदद करे बहुत फ़ायदा है, जैसे इस्लामाबाद में मैं यहाँ से इस्लामाबाद से फीड लाता हूँ, वहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी पे देती है लोगों को फीड, यहाँ त्राल में कोई नहीं देता सब्सिडी पे, वहाँ पर लगभग सब्सिडी पे मिलती है फीड। अगर त्राल में ये हो जाए सब्सिडी में, तो लोग मुझे लगता है बहुत ये पोल्ट्री में आ सकते हैं लग रहे। मेरा यूथ से एक ही सवाल है, अगर कोई करना चाहता है बुरे काम से, मतलब कोई बेरोज़गारी से अच्छा काम है ये, इसमें आ जाओ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे तो सारे नौजवान मुझे लगता है इस शी फील्ड में आ सकते हैं। मुझे मंजीत को बचपन से शौक था मुर्गों का, डाक का, बेडों का, तो पढ़ाई में भी इसको बहुत इंटरेस्ट था, मगर पढ़ाई ये कर नहीं सका क्योंकि हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे कि मनु को मंजीत को कोई पढ़ाए। पढ़ाने का शौक था मगर ये भी पढ़ने को तेज था, तो घर की गुर्बत के करके थोड़ा पढ़ाया 12वीं तक। फिर इन्हें बोला मम्मी जो बाहर SPU जाऊंगा, दुकान पर जाऊंगा, मैं खुद बिजनेस घर में स्टार्ट करूंगा। मैंने बोला बेटा कर लो, मैं आपके साथ हूँ, आपका पापा आपके साथ है। पापा भी बोला, मैं भी बोली। फिर इसको 2 बेडें ला के दी, फिर इसने आस्ते आस्ते 2 बेडों पर आज 100 बेड तैयार कर दी। सब इसकी सपोर्ट करते हैं, बहन भी है वो भी सपोर्ट करती है, तो हम खुश हैं। मन भी जीत कर, कभी घर में मुर्गा मारेंगे घर का ये खाता नहीं, बोलता है मम्मी मैंने पाला मैं नहीं खाऊंगा वाले हैं, वो भी बोलते हैं बेड का काम कुछ नहीं है, आप इसको बेड क्यों चलाती हो, आपको इसको मुर्गे क्यों रखाती हो। मैंने बोला इसको शौक है करने दो, इसको नहीं समझते हैं। नहीं समझ। आपको कभी दुख हुआ मनजीत ऐसा काम करता है? नहीं, मुझे नहीं दुख, मैं खुश हूँ। खुश है? हाँ मैं खुश हूँ। कहीं कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई ये नहीं कर रहा है, इससे अपनी रोटी कमा रहा है, अपना फकर का काम है ये। माँ की दुआ यही है, माँ बाप खुश है, माँ बाप का सिर ऊंचा होता है अगर बेटा कहीं अच्छा काम कर। तो इस सोसाइटी को मंजीत जैसे ही और यूथ की जरूरत है, ताकि वो अपने समाज का फ्यूचर सुनहरा बना सके। आजकल आए दिन यूथ प्रॉब्लम्स से जुड़ी खबरें आती ही रहती हैं। बढ़ते ड्रग्स के मसले में यूथ खिंचा चला जा रहा है। सुसाइड के केसेस दिन में 3 से 4 रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि सुसाइड कमिट करने वाली एज ग्रुप यही 14 से लेकर 30 साल के बीच की है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की शिकार हो रही है हमारी नई पीढ़ी।
अभी जब जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं हुई, वही जिंदगी में आने वाली चंद मुश्किलों से हार कर ये पीढ़ी अपनी जान दे रही है। जैसे कि हमारी पेशकश का नाम ही है तलाश जवाब की, उसी तरह से आज मंजीत की बातें सुनकर मन में कई सवाल आए जिनकी तलाश हमें है। यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर इतनी निराशा क्यों है हमारी यूथ में? क्यों मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत नहीं है? क्यों लड़ने से पहले ही हार मान लेती है ये जनरेशन? एग्जाम्स में नंबर कम आए तो अगली बार मेहनत करके आगे बढ़ने की जगह अपनी जान देना ज्यादा आसान समझती है ये जनरेशन। नौकरियां नहीं मिली तो खुद अपना रास्ता बनाने की जगह डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार बन अपनी जान देना ज्यादा आसान समझती है ये जनरेशन। अब अगर इसी बारे में हम यूथ से बात करने जाएं तो उनका जवाब होगा, आपको नहीं पता हमारी मुश्किलें। पर यहाँ किसकी जिंदगी आसान है? हर कोई अपने हिस्से की मुश्किलें झेल रहा है, पर फिर भी हिम्मत के साथ डटकर मुस्कुराकर जी रहा है। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज फिर उगेगा, यानी अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आज निराशा है तो कल आशा की किरण जरूर दिखाई देगी। इसी बात की एक मिसाल मंजीत ने रखी। ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया कि आज वो दूसरों के लिए मिसाल बन गए हैं। पर हाँ, यहाँ हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि मंजीत ने अपने बल पर ये सब हासिल किया, पर ये इससे और कहीं ज्यादा करने की काबिलियत रखते हैं। इसकी इसी काबिलियत को और बूस्ट करने में सरकार की मदद बहुत काम आ सकती है। सरकार जैसी स्कीम्स चलाती है उससे कुछ मदद कर सकती है, चाहे एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात हो या फाइनेंशियल सपोर्ट। इससे वो मंजीत के काम में कई गुना बढ़ोतरी में मददगार साबित हो सकते हैं। सोचिए, ऐसे में अगर उसकी कुछ और मदद हो जाए तो वो क्या मुकाम हासिल करेगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, सरकार मंजीत या ऐसे ही यंग एंटरप्रेन्योर्स को एज एम्बेसडर्स सामने ला सकती है ताकि ये अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करके दूसरों को इंस्पायर और कुछ बेनिफिट दे सके। अब यहाँ देखना यह है कि इस तरह की कार्यवाही में कब तक कुछ हलचल देखने को मिलेगी। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश तलाश जवाब की में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ मुद्दे लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के पर। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें तीनों प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और 24/7 हमसे खबरों के जरिए जुड़े रहें। चलिए, अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।